तरह गुरबाणी विच जिक्र आउंदा है, मोह मल बेवस कियो काम गह केस पछाड़ियो, जेड़े काम ने लोकां नूं केसां तों पकड़ पड़ पकड़ के पछाड़ छड़िया है। बाजां वाले पिता जी साधु संगत जी जिस तरह जिक्र करदे हन, कलयुग दे लक्षणां विच लिखदे हन, अधर्म कर्म कै है ना भूल नाम लै है, ऐसा कलयुग दा समा आवेगा, लोक जिहड़े ना कीते जाण वाले कर्म होणगे ओह करणगे। जे किसे नूं आख्या जावे सत संगत करिया कर, सत संगत कहना तां की है, हजूर कहिंदे हन भुल के भी नाम नहीं लिया करणगे, किसू ना दान दे है सो साध लूट ले है। महाराज जी कहिंदे हन दान पुन तां किसे नूं भी नहीं देणगे, सगो धार्मिक अस्थाना नूं ही लुटना शुरू कर देणगे। अपाख बैन पाख है जिहड़े ना कहण वाले बचन होणगे, गंदी भाषा बोलणगे, अपाख जिहड़ी ना पखी जाण वाली भाव ना कहण वाले बचन, ऐसे बचन महाराज जी कहिंदे हन संसारी जीव बोलणगे, किसू ना कान राखै, किसे दा डर नहीं मन विच रखिया करनगे गंदे बचन बोलन लग्या वी। अधर्म कर्म कह है महाराज जी कहिंदे हन, जिस तरह अधर्म जिहड़े ना कीते जाण वाले जिहड़े कर्मां नूं करन दी धर्म सिख्या नहीं दिंदा, जिहड़े धर्म रोक लाउंदा है कि आ काम नहीं करने, हजूर कहिंदे हन वह बड़े खुशी नाल करनगे, ना तात मात डर है ना ही माता पिता तो डरिया करनगे, ऐसे कर्म करिया करनगे कलयुग दे विच, कुकर्म कर्म लागे सो धर्म छाड़ भागे, ऐसे कुकर्म करन लग जाणगे कि जो श्रेष्ठ धर्म दे काम हन उहनां नूं तां मानो कि छड़ के ही भज जाणगे। सो काम क्रोध राचे उतार लाज नाचे, महाराज जी कहिंदे हन इह कलयुग दे जीव काम ते क्रोध विच रचे जाणगे। जे अज देखिया जावे ता अकारण ही क्रोध ईरखा करदा है जीव दूसरे बंदे दे नाल, गुस्से विच रहिंदा है, क्योंकि जे शब्द दी कमाई कीती हुंदी ता मन विच शांति आउंदी, काम वासना जो इन्नी प्रबल है। महाराज जी कहिंदे हन इन्हां विच जीव रचे रहणगे, उतार लाज नाचे लज्जा छड़ के फिर नचणगे, बेशर्म हो के साध संगत जी जिस तरह नचदे हन पाए हुण प्रतख भी जे देखिया जावे, एक तां इह विशे नचाउंदे हन पता ही नहीं लगण दिंदे, कदों जीव काम वासना विच डिग जांदा है कदों गुस्सा आउंदा है, इह जीव इस नूं नचाउंदे हन। ते जे बाहर देखिया जावे हजूर दे ककार धारण कीते हुंदे हन व्याहां शादियां ते, उसे तरह जिस तरह वेशवावां दे नाल साध संगत जी नचदे हन, इह महाराज जी कहिंदे हन काम क्रोध राचे उतार लाज नाचे। ए हजूर ने साध संगत जी जिस तरह कलयुग दे लक्षण कहे हन, उथे ही जेड़ी साध संगत जी तीन चीजां मन्नियां जांदियां हन, भुख नींद ते विशे, ए बंदा साध संगत जी जिन्ने मर्जी वधा सकदा है जिन्ने मर्जी घटा सकदा है जे हजूर किरपा करन, पर जे जीवन देखे जान सुनने साध संगत जी गाने वेखणियां फिल्मां, फिर हजूर दे पास आके कहना महाराज जी विषय बड़े प्रबल ने। हजूर कहिंदे हन तू धर्म वाली तां कोई कर्म ही नहीं कीता, चाहुणा तां तू ऐ है सारा जग तेनू ज्ञानी जी कवे भाव तेनू गुरमुख कवे, पर तू गुरमुखां वाले कदे काम ही नहीं कीते। हजूर दे अगे जिस तरह गुरसिख अरदास करदे हन धर्म दे पक्ष तों साध संगत जी, इस दा ज्ञान होना भी बड़ा जरूरी है। जिस समय साध संगत जी पता लगदा है जिस तरह महाराज जी कहिंदे हन जे लख इस्त्रियां भोग करै नव खंड राज कमाए, जे बंदा लख इस्त्रियां नाल भी भोग कर लवे ए नौ खंड दी पृथ्वी सारे दा जे इस नूं राज मिल जावे, बिन सतगुर सुख ना पावई फिर जोनी पाहे। महाराज जी कहिंदे हन सतगुरां दी शरण तों बिना तेनूं सुख नहीं मिलणा, चाहे तू एक नहीं लख इस्त्रियां भोग ला, थोड़ा राज नहीं किसे पिंड दा जां किसे कंट्री दा, ए नौ खंड दी पृथ्वी दा तू राज कर ला, हजूर दी शरण तों बिना तेनू सुख नहीं मिल सकदा। क्योंकि साध संगत जी ए विशे तां छुटदे हन जदों उस तों भी वड्डा बंदे नूं कितों आनंद मिले। ए साध संगत जी जदों नाम जपिए उदों पता लगदा है मना, जिन्हां जपिया है उन्हां दे चेहरे दसदे हन,
ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਅਕੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸੁਆਰਥ ਕਾਰਨ ਕੋਟ